मालकिन, हाँ रामू, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। क्या लेके आए हो? कंगन। अरे वाह रामू, अच्छा ठीक है, तो फिर अपने हाथों से पहना दो। अरे वाह, अगर मुझे पता होता कि मुझे खुद पहनाना पड़ेगा तो मैं आपके लिए ब्रा पैंटी भी लेता आता। आराम से निकल घर से, तब से काम में मत आ जाना। ले जा अपने कंगन, घटिया सोच। हाँ, ये नाली जाएगी लल्लू के दरवाजे से और ये खरंजा। नमस्ते सर। नमस्कार, बताइए। सर मुझे नगर निगम अधिकारी जी से मिलना था। जी मैं ही हूँ, बताइए क्या काम है। सर मेरे घर के सामने एक कुत्ता मरा पड़ा है, आप उसे उठवा लीजिए। देखिए हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, आप जाकर उस कुत्ते को वहीं दफना दीजिए। सर मैं तो दफनाने ही जा रही थी, फिर मैंने सोचा कम से कम कुत्ते के बच्चों से तो बता दूं, आखिरी टाइम अपने बाप को मुंह तो देख लें। चलिए सर। अब आप चलिए, मैं नगर निगम टीम को भेजता हूँ, वो हटवा लेंगे वहां से। चलिए जाइए। बड़ी खतरनाक औरत थी है। मालकिन, आज कुछ अपने बारे में बता दीजिए। क्या रामू? अरे यही बता दीजिए, आपकी शादी कैसे हुई थी। अरे रामू, शादी के पहले मैं एक मेडिकल स्टोर में काम करती थी, हाँ वहां पर एक आदमी आया, उसने डबल एक्सल का लोन मांगा, बस फिर उसी से मैंने शादी कर ली। अरे वाह, क्या बात है। और फिर तलाक कैसे कर लिया। अरे क्या बताऊं रामू, सुहागरात के टाइम ही पता चला, वो तो तोतला था भोसड़ी का, उसके लिए तो इस्तेमाल कॉन्डोम भी बड़ा पड़ता। ओ सही किया। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे गुप्तांग में टेढ़ापन है। मूत लेते हो? हाँ मूत लेता हूँ, मूतने में कोई तकलीफ नहीं है। लौंडिया पहन लेते हो? जी लौंडिया भी पेल लेता हूँ और कभी कभी मुट्ठ भी मार लेता हूँ। अच्छा कोई तकलीफ? नहीं डॉक्टर साहब, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो फिर और क्या चाहिए? लौंडे से स्नूकर खेलेगा मादरचोद? डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी टेढ़ा है। जब सब कुछ कर लेता है तो टेढ़ा है, तो इससे क्या मतलब बनता है? ठीक जी जी ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है। है पिताजी, मैंने सुना है आप मेरी शादी के लिए लड़का देखने गए थे। पिताजी हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने। मैं रामू से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। और अगर मैंने तुम्हारी शादी उससे ना कराई तो। मैं अपनी जान दे दूंगी। चल ठीक है, अब ये बता कि रामू कुछ करता रहता भी है कि नहीं। जी करता है ना, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर करता है, जब शादी हो जाएगी तो नीचे भी करेगा। क्यों रे रामू, क्या सोच रहा है? मालकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई किसी को अपने हाथ में थूक के बोले कि ये लो चाटो, तो कोई चाटेगा क्या? पागल, लेकिन क्या बकवास बात कर रहा है, कोई नहीं चाटेगा। तो फिर मालकिन किस करते वक्त एक दूसरे का थूक, लार, नाक सब चाट जाते हैं, ऐसा क्यों? आप भी किस करती है क्या? चला दिमाग में लगा, चुपचाप काम में ध्यान दे। जी तक तो कड़वा होता है।